नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक आयत की परिमिति तथा चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई कितनी है। ठीक है, उसने हमें कहा है कि एक आयत है जिसकी परिमिति यानी कि परिमाप और चौड़ाई का अनुपात हमें दिया है 5:1, और क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमसे उसने पूछा है कि जो आयत है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो हमें दिया है पहले आयत का परिमाप और चौड़ाई का अनुपात दिया है, ये दिया है 5:1। ठीक है, यानी अगर हम आयत का परिमाप निकालें तो यह आएगा 5x और चौड़ाई क्या आएगी, x, यही अनुपात उसने हमें दिया है। ठीक है, तो आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वह होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम यहां आयत का परिमाप का सूत्र लगा देंगे, आयत का परिमाप बराबर 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप तो निकल गया है 5x, यहां 2, लंबाई हमें पता नहीं है और चौड़ाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब ये 2 कहां जाएगा, यहां नीचे जाएगा, तो 5x/2 बराबर l+x, 2 से काटेंगे 2.5x माइनस x बराबर l, 1.5x बराबर क्या जाएगा, l, यानी लंबाई कितनी निकल के आ गई, लंबाई आई 1.5x। ठीक है, अब हमारे पास लंबाई आ गई, चौड़ाई है और क्षेत्रफल उसने हमें दिया है, तो हम इसी पे फॉर्मूला लगा देते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, हमने यहां पर सूत्र लगा दिया लंबाई गुणा चौड़ाई का, क्षेत्रफल हमें दिया है 216, लंबाई निकल के आई 1.5x गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x, x और x का करेंगे क्या हो जाएगा, h² और 216/1.5। ठीक है, अब 1.5 का यह पॉइंट हटा देंगे, 10 हम ऊपर बढ़ा लेंगे। अब इसको कट करते हैं, 15 से करते हैं, 15 × 15, 6 × 15 = 60 और 15 × 60, x² = 144, तो x बराबर निकल के आया 12। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें 12 मिल गई, हमें निकालना है आयत की लंबाई, लंबाई कितनी निकली थी, लंबाई थी 1.5x, लंबाई थी 1.5 और x, तो 1.5 गुणा हो जाएगा 12, जब 12 में 1.5 का गुणा होता है तो क्या आता है, 18 आता है, यानी 12 गुणा 1.5 करते हैं तो कितना आता है, 18 सेंटीमीटर। तो लंबाई निकल के कितनी आ गई, लंबाई निकल के आ गई 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सवाल में कोई ज़्यादा दम नहीं थी, लेकिन सवाल था एक अच्छे लेवल का सवाल है और ऐसे ही सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यह सवाल जरूर समझ में आया होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।